मित्रों, आज हम सब चर्चा करेंगे स्वप्न शास्त्र को लेकर। बहुत से मित्रों का मैसेज आ रहा है, मेल कर रहे हैं और वह जानना चाहते हैं कि मैं स्वप्न में मुर्दा देखता हूं तो क्या वह हमारे लिए शुभ है या अशुभ संकेत प्रदान करता है। तो इसमें मित्रों आज हम सब बहुत ही गहराई के साथ चर्चा करेंगे कि आपके लिए शुभ संकेत देगा या अशुभ। स्वप्न में मुर्दा देखना मित्रों आम बात हो जाती है और मुर्दे देखने के बाद यह हम सब घबरा जाते हैं और चिंता करने लग जाते हैं कि कहीं हमारे घर परिवार या किसी सदस्य के साथ तो ऐसी दुर्घटना नहीं घट गई है कि जो हमने स्वप्न में भी देखा है वह वास्तविकता सत्य है या असत्य है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम रखता है, यह हमारे लिए शुभ संकेत भी होता है। और कुछ स्थानों पर यदि हम स्वप्न देखते हैं मुर्दा को तो यह अशुभ भी संकेत देता है। इसलिए मित्रों हमें यह ध्यान रखना है कि स्वप्न यह किस समय का है, यह स्वप्न प्रातः का है या यह स्वप्न 12 बजे के पश्चात का है। दूसरा, क्योंकि मित्रों 12 बजने के बाद हमारा दूसरा दिन लग जाता है, इसलिए मित्रों इस बात को हमें ध्यान रखना है। सपने में ऐसी चीज होती है जो प्रत्येक व्यक्ति देखते हैं और वह उसे खुद नहीं जानते कि आज वह स्वप्न में क्या देखेगा। कुछ सपने हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं और कुछ हमारे ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होते हैं, जिनको मैंने कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था, जिनसे हमारे कोई मतलब भी नहीं होता है, फिर भी हम उस सपने को देखते हैं और वह सपना हमें देखने को मिलता है। अगर आपके सपने में मुर्दा दिखाई देता है तो यह सपना देखकर आप बहुत से लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल ना घबराएं, इस सपने को देखकर आपके घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ होगा, आपको सुख होगा। और आपको यहाँ पर जो व्यक्ति आपके घर में कोई सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार है उसकी बहुत जल्द ही बीमारी दूर हो जाएगी, यह हमें संकेत प्राप्त होते हैं। यदि मित्रों स्वप्न में हम किसी और को देखते हैं तो यह समझना चाहिए कि स्वप्न में मुर्दा यदि हम किसी और का देखे हैं और वह समय 12 या 12 के पश्चात 1 या 2 बजे का है और पीठ केवल मुख केवल मुर्दा लेटा हुआ है तो यह समझना चाहिए कि यह हमारे लिए अशुभ संकेत दे रहा है। यदि मित्रों वह पीठ केवल लेटा हुआ मुर्दा आप देखते हैं तो यह समझना चाहिए कि आपको सुख के कहीं ना कहीं संकेत प्राप्त हो रहे हैं, आपको धन लाभ होगा, आपको व्यापार में लाभ होगा, आपको कई तरह से आपको लाभ हो सकता है, आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। और मित्रों यदि आप मुख की तरफ से लेटे हुए मुर्दे को देखते हैं, पीठ ऊपर की तरफ है तो यह समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में नुकसान होने वाला है और बीमारी का संकेत यह देता है। इसलिए मित्रों हमें स्वप्न को ध्यान रखना है, क्या स्वप्न प्रातः का है या यह 12 बजे के पश्चात 1 या 2 बजे का है, इस बात को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। मित्रों स्वप्न शास्त्र हमारा बहुत बड़ा है, इसके बहुत अलग अलग स्वप्न देखे हैं, जिस तरीके से आपने स्वप्न देखेंगे उसी का अलग फल हो जाता है। इसलिए मित्रों जहां आपको स्वप्न शास्त्र में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।